यानी कि सॉरी 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी को हायर करेगा तो उसको लगेगा 15 रुपये मात्र, लेकिन वह अगर सेकेंड किलोमीटर चला जाता है यानी 2 किलोमीटर जाता है तो उसे 15 रुपये प्लस लग जाएंगे 8 रुपये, क्योंकि अतिरिक्त किराया ये है तो हो गए 23। उसी तरह से 3 किलोमीटर अगर जाता है कोई आदमी तो उसे अब 2 किलोमीटर के बाद यानी कि 23 के बाद कितने लग जाएंगे 8, यानी कितने 31। यानी 3 किलोमीटर को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर में, तो 2 किलोमीटर का किराया था 23 रुपये, 1 किलोमीटर का 31। इसी तरह 4, 5 जितने निकालने का है निकाल लेना है। 3 किलोमीटर के लिए हो जाएगा 3 किलोमीटर का फेयर प्लस 1 किलोमीटर का फेयर। 3 किलोमीटर का फेयर चूंकि पहले हम निकाल चुके हैं इसलिए 3 लिख रहे हैं, तो 3 किलोमीटर का फेयर है 31 रुपये प्लस 8 यानी कि 39 रुपये। अब अगर हम इसी के वो एपी टर्म बनाएं तो एपी का टर्म हो जाएगा 15 रुपये, दूसरा टर्म होगा 23 रुपये, तीसरा हो जाएगा 31 और चौथा हो जाएगा 39। इसी तरह से अगर हम 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के लिए बनाते रहेंगे। अब इसको ये दिखाना है कि एपी में है या नहीं, तो एपी में होने के लिए सबसे पहले हम यहाँ का सार्वान्तर निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो ये एपी में होगा, अगर कॉमन डिफरेंस नहीं है इक्वल तो ये एपी में नहीं होगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो ए डी वन निकालते हैं, डी वन का मतलब हो गया ए वन माइनस ए टू, सॉरी ए टू माइनस ए वन, तो ए टू हो गया माइनस ए वन, ए टू हो गया यहाँ 23 माइनस 15। फॉर्मूला का यूज नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 रुपये। फिर डी टू निकालते हैं तो ए थ्री माइनस ए टू, 31 में से 15 घट जाएगा तो 8 ही बचेंगे। फिर से डी थ्री निकालते हैं, डी थ्री का मतलब डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बिटवीन फोर्थ टर्म एंड थर्ड टर्म, 4 माइनस 3 39 में से 31 घट गया बचा 8। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ तीनों टर्म इक्वल हो जा रहा है, अर्थात डी वन इज इक्वल टू डी टू इज इक्वल टू डी थ्री, देयरफॉर एपी में दूसरा प्रश्न है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। चूंकि यहाँ प्रत्येक बार 1/4 हवा बाहर आ जाता है तो मानने के लिए हम कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कि माना कि बेलनाकार बर्तन में एक्स यूनिट हवा थी, या इस एक्स की जगह पर हम 4 का गुणज भी मान सकते हैं। जैसे चलिए 4 का गुणज ही मान लेते हैं, मान लिए 1600 घन मीटर हवा थी तो भी आंसर आ जाएगा। तो पहले हम एक्स मान के ही बना देते हैं, फिर 1600 मान के ही बना देंगे, एक्स मीटर क्यूब हवा थी या यूनिट हवा थी। तो प्रश्न क्या आ रहा है कि पहली बार में कितनी निकलेगी हवा, तो x का 1/4 यानी 1/4 मीटर क्यूब हवा निकल जाएगा, तो शेष क्या बचेगा, क्योंकि तो पहले इतना हवा था इतना निकल गया, तो निकल जाने के बाद घटा देने से बच जाएगा तुम्हारा 3/4। अब इतने हवा शेष है, फिर दूसरी बार उसको पंप किया जाएगा, दूसरी बार पंप करने के बाद 3/4 एक्स का 1/4 निकल जाएगा, अर्थात 3x/16 निकल गए। निकलने के बाद फिर से शेष क्या बचा, अब इतना था उसमें से 3x-16 घट गए, बचा 16, 4 यानी कि 4 × 12 माइनस 3x 9x/16। अब यहाँ टर्म देखा जाए तो हमने पहले माना था x, फिर कितने बच गए 3/4x, फिर कितने बच गए 9x/16। अब हम यहाँ चेक करेंगे कि ये तीनों टर्म एपी में है या नहीं, और आगे भी निकाल सकते हैं। तो एपी में होने के लिए कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, डी वन निकालते हैं इस दोनों को घटा के,
ए टू माइनस ए वन हो जाएगा 3/4x माइनस x, दैट इज सॉरी 4x, यहाँ हो गया माइनस x बाय 4। फिर से डी टू निकाल लेते हैं, डी टू इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू, 9x बाय 16 माइनस 3/4x या 3x बाय 4, 16 हो गए 9x माइनस 12x, ये हो गए 4x बाय 16, ठीक है 16, 9x, 4 चौक 16, 4 के बाद ठीक। अब ये इस कट भी सकता है, तो ये हो गया x बाय 4, ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसलिए लिखेंगे डी वन डज नॉट इक्वल टू डी टू, अतः टर्म एपी में नहीं है। अब 3 नंबर का क्वेश्चन सबसे बन जाएगा, तो हम 4 बता रहे हैं। 4 का प्रश्न है, यदि 10,000 रुपये की राशि अर्थात पी को हम 10,000 मान लेंगे, क्योंकि प्रश्न जो है वह चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है इसलिए हमने पी माना है, आर है यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट सूद का दर या ब्याज का दर 8%, और इसका प्रत्येक वर्ष के लिए निकालना है, पहले एन बराबर 1 निकालना है, फिर 2 निकालना है, फिर 3 निकालना है, और निकालना क्या है तो मिश्रधन निकालना है। ए का फॉर्मूला होता है पी इंटू 1 + R/100 टू द पावर एन, पी हो गए 10,000, 1 + 8/100, ये 1 साल के लिए निकालते हैं, 10,000 × 108/100, 200 खत्म, 10,800, यानी कि मेरे पास 10,000 रुपये थे, सूद मिला कर उसका 10,800 हो गया। अब दूसरे साल के लिए निकालते हैं पी इंटू 1 + R/100 टू द पावर 2, आर की जगह पर रख देना है 8 और इसके जगह पर रख देना है 10,000, सॉरी 10,000, ये हो गया 10,000 × 108/100 × 108/100, 2 0 2 0 कट गया, बचा 108 × 108, तो गुना कर देते हैं हम, 864 का 4 बट गया 86, 0 6 बाकी रहा 8, 108 108 116, इतने हो जाएंगे ये गुना करके। अब हमारा एपी का टर्म क्या बनता है, सॉरी एपी नहीं लिखना है, टर्म हो गया 10,000, उसके बाद निकला 10,800 और उसके बाद निकलता है मेरा 11,664। अब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस हो गया 10,800 माइनस 10,000 बराबर हो गया 8,000, डिफरेंस 2 निकालते हैं 11,664 माइनस 10,800, ये हमारा हो जाएगा 864 रुपये, सॉरी यहाँ 800 हो गए, यहाँ पर डी वन डज नॉट इक्वल टू डी टू, अतः एपी में नहीं है, टर्म्स आर नॉट इन एपी। अच्छा 2 नंबर का क्वेश्चन है, एपी के प्रथम 4 पद यानी कि फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं, प्रथम 4 पद इसमें से कोई एक हिसाब हम बता दे रहे हैं, चलो 2 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए इज इक्वल टू -1 एंड डी इज इक्वल टू 1/2, ठीक, तो प्रथम 4 पद कहा जा रहा है, तो ये प्रथम पद हो ही गया अर्थात अब हमको निकालना है दूसरा पद। दूसरा पद क्या होता है, जितने जो भी पद निकालना उसे पहले वाले पद में डी को जोड़ते जाना, यही फॉर्मूला है, ए प्लस डी, 2 था पहला पद ए होता है, पहला पद में जोड़ दिए, -1 + 1/2, 1 में से 1/2 घट जाएगा तो -1 है, एलसीएम भी ले सकते हैं -1/2। फिर निकालना है ए थ्री क्या होगा, ए थ्री के पहले कौन सा पद है 2 और इसमें जोड़ देना है डी, तो ए टू क्या आया मेरा 1/2 और डी भी 1/2 दिया हुआ, जोड़ के 0 हो जाएगा। ए फोर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए फोर से पहले क्या पद आया 3, 4 डी जोड़ दिए, तीसरा पद है 0। उसी तरह से पांचवा पद निकालना है, तो
a4 + d, a4 हमारा आ गया 1/2 और d भी है 1/2, 1। ऐसे हमारा आंसर यहीं तक हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है प्रथम चार, तो प्रथम चार प्रथम पद हो गए -1, द्वितीय पद हो गए 1/2, तृतीय पद 0 और चौथे पद ये एक एक्स्ट्रा निकल गया, चलो वो भी लिख लो, यही आंसर है। दो का पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन में प्रथम पद ये दे रखा है और डी यानी कॉमन डिफरेंस ये दे रखा है, हमको निकालना है प्रथम चार पद यानी फर्स्ट फोर टर्म्स। सबसे पहले हम पहला पद ये हो गया, अब दूसरा पद निकालेंगे, दूसरा पद इज इक्वल टू होगा पहला पद में डी जोड़ना है कॉमन डिफरेंस, पहला पद तुम्हारा है 1.25 और कॉमन डिफरेंस हो गया प्लस तो देना ही है क्योंकि फॉर्मूला में प्लस है। अब इसमें साइन माइनस लगा हुआ है तो ब्रैकेट में रखेंगे इसको, यहाँ पे हम देखते हैं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और दोनों में एक ही साइन है अर्थात ये जुट जाएगा, जुटने के बाद हो जाएगा 1.50, ये हमारा दूसरा पद हो गया। तीसरा पद लेना है, तीसरा पद हो जाएगा पहले पद, इससे पहले क्या है 2, उसमें जोड़ना है डी, पहला पद मेरा निकला 1.50, फिर इसमें जोड़ना है 0.25, इसको जोड़ घटा कर लेना। फिर आता है चौथा पद, चौथा पद हो जाएगा a3 + d, a3 क्या है मेरा -1.75 प्लस -0.25, जोड़ने के पश्चात मिल जाएगा 2, यही एपी है। एपी हो गया प्रथम पद -1.25, दूसरा पद हो गया -1.50, तीसरा पद हो गया -1.75 और चौथा पद हो गया -2, यही आंसर है। इस प्रकार के प्रश्न पहले भी बता दिए गए हैं पहले वाले वीडियो में, फिर से एक बार एक देख लिया जाइए, बस एक ही क्वेश्चन इसमें बताया जाएगा। इसमें कहा जा रहा है एपी का प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद यानी एपी ये लिखा हुआ है, चार टर्म है प्रथम पद यानी जो पहले लिखा हुआ है प्रथम पद, ये प्रथम पद यानी कि ए, ए को ही प्रथम पद बोलते हैं और ये हो गया। अब निकालना है सार्वभौमिक कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट किया जाता है और हम जानते हैं चूंकि ये एपी में है तो सभी के कॉमन डिफरेंस इक्वल होंगे, तो कहीं से भी निकाल लेना, जैसे डी, या तो इस दोनों के कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं या तो इस दोनों के, या तो इस दोनों के, सभी इक्वल होंगे तो हम इसी दोनों को निकालते हैं। पहले पहले ही हम बता चुके हैं बाद वाले में से पहले वाले को घटाना है, यानी कि पहले आगे जाना है और फिर पीछे आना है, अर्थात 5/3 में से 1/3, या अगर हम फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला हो जाएगा a2 - a1, a2 है 5/3 और ये है 1/3, माइनस कर देंगे 3, 5 - 1 दैट इज 4/3, यानी हमारा एक आंसर ये है और एक आंसर ये। एक्सरसाइज का चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न में पूछ रहा है, किताब से देख लें हम शॉर्ट में क्वेश्चन को लिखे हैं कि दिया गया पद एपी में है या नहीं, आर गिवन टर्म्स आर इन एपी और नो, अगर है, अगर एपी में है तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स यानी अगले तीन पद को लिखना है, यदि नहीं है तो वही छोड़ देना है लिख के। चलो पहला चेक करते हैं, तो ये तो हो गया पहला पद तो है ही, इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस तभी पता चलेगा एपी में है या नहीं, तो a2 - a1 फॉर्मूला हमेशा लिखना जरूरी है, लिख लिया करो 5/2 - 2 LCM 5 - 4 दैट इज 1/2, उसके बाद दूसरा लेते हैं 3 - 5/2 और तीसरा जहां तक दिया हुआ है वहां तक लेंगे, क्योंकि चार टर्म दिए हैं तो तीन कॉमन डिफरेंस निकलेगा, तीनों इक्वल हो गए यानी d1 = d2 = d3 = 1/2, यानी ये एपी में है और अब एपी में है तो हमको नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालने होंगे, नेक्स्ट थ्री टर्म्स यानी 1, 2, 3, 4 हो गया है तो पांचवा टर्म निकालेंगे, पांचवा टर्म क्या होगा चौथे टर्म में क्या जोड़ना पड़ेगा d, चौथा टर्म क्या है 7/2 और इसमें d क्या है 1/2, जोड़ देना है आ जाएगा 4, a6 हो जाएगा a5 + d, a5 क्या है a5 आ गया 4 + 1/2, इसको जोड़ देना है ये हो जाएगा 9/2, फिर निकालना है a7, a6 + d हो जाएगा, जो भी पद निकालना है उसे एक पहले के पद में d जोड़ना है, जैसे कि ये छठा पद है छठे पद में d जोड़ दिए, छठा पद मेरा था 9/2 + 1/2, इसको निकाल लेना है, निकाल के हो जाएगा ये 5। इस तरह से हम इसको भी देख लेते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, पहला इस दोनों का डिफरेंस निकलेगा, डिफरेंस होगा -3.2, यहाँ पहले से माइनस आ जाएगा और इसमें भी माइनस लगा हुआ था, ब्रैकेट दे देंगे
हो गया माइनस 3.2 प्लस 1/1.2 माइनस 2, ये हो गया, या 2.0 भी लिख सकते हैं। उसी तरह डी टू भी निकाल लेते हैं, डी टू क्या हो जाएगा माइनस 5.2 माइनस माइनस 3.2, यहाँ भी इसको वही करना है, माइनस 5.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ फिर से आ जाता है माइनस 2.0। फिर अगला नेक्स्ट ले लेते हैं डी टू, ये हो गया माइनस 7.2 माइनस माइनस 5.2, तो यहाँ भी वही स्थिति है और यहाँ भी बच जाएंगे माइनस 2.0, अर्थात सभी डिफरेंस इक्वल हैं, कॉमन डिफरेंस d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इज इक्वल टू माइनस 2, तो ये एपी में है। अब नेक्स्ट थ्री पद निकाल लेते हैं, इसमें भी चार दिया गया है तो पांचवा पद निकाल लेते हैं, पांचवा पद है a4 प्लस d, पहले ही बता चुके हैं पांचवा पद निकालना है, इससे पहले कौन सा पद आएगा चौथा, उसमें जोड़ना है डी, चौथा पद हो गया माइनस 7.2 और इसमें जोड़ना है माइनस 2, तो ये हो गया माइनस 9.2, यानी कि हर एक पद पिछले वाले पद से माइनस 2 अधिक, यानी माइनस 2 जोड़ना है सब में, तो a6 हो जाएगा a5 प्लस d, a5 क्या निकाले हैं माइनस 9.2, इसमें भी जोड़ना है माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 11.2। फिर इसी तरह से a7 भी निकाल लेंगे, a6 प्लस d और माइनस 11.2 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 13.2, यही हमारा आंसर है। अब ये पांचवा, इसमें फिर से कॉमन डिफरेंस निकाल के ही पता कर सकते हैं अभी में है या नहीं है, और कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस हो गया d1 इज इक्वल टू, फिर वही बात a2 माइनस a1, या बिना फॉर्मूला के भी लिख सकते हैं, इस दोनों में चलेंगे 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा या 3 3 घट के 0 हो जाएगा, बचेगा रूट 2। फिर उसी तरह से इसको और इसको घटाना है, यानी d2 निकालना है, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2, अब यहाँ पर ब्रैकेट दे देना है, नहीं तो गलत हो जाएंगे क्योंकि माइनस इसी में लगेगा, चूंकि ब्रैकेट होगा तो दोनों में होगा, तो हो गया 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, 3 3 फिर से कैंसिल और 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटेगा, फिर से ध्यान देना है 2√2 में से 1√2 घट जाएगा तो बचेगा फिर से रूट 2, कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है, और अब फिर डी 3 है 3 प्लस 2√2 माइनस, सॉरी यहाँ 3√2 होगा और 3 प्लस 2√2, ये हो गया 3 प्लस 2, ठीक है 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2, कैंसिल हो गया, 3√2 में से 2√2 घट जाएगा तो बचेगा रूट 2, यहाँ पर भी फिर से कॉमन डिफरेंस इक्वल हो गए d1 d2 एंड d3, ये तीनों इक्वल हैं और ये किसके बराबर है रूट 2 के, अर्थात ये एपी में है, और जब एपी में है तो अगला टर्म निकाल लेते हैं, 1 2 3 4 भी है इसमें भी, तो पांचवा टर्म लेना है a4 प्लस d, और a4 आ गया और उसमें d क्या लेना है, d लेना है रूट 2, चूँकि रूट 2 इसमें है तो लाइक टर्म ये दोनों है, यानी जुटेगा ये दोनों, यानी ये आंसर हो जाएगा 3 प्लस 4√2। इसी तरह से अगला हम निकाल सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a6 हो जाएगा 3 प्लस 5√2 और a7 हो जाएगा 3 प्लस 6√2, इसका आंसर चाहे तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पहला टर्म यहाँ दिया गया है 3, दूसरा हो गया 3 प्लस रूट 2, तीसरा हो गया 3 प्लस 2√2, चौथा हो गया 3 प्लस 2√2, ये दिया गया है, पांचवा हमने खुद निकाला है 3 प्लस 4√2, छठा हो गया 3 प्लस 5√2 और 3 प्लस 6√2, इस प्रकार से भी हम आंसर लिख सकते हैं, या ये तीन ही आंसर लिखेंगे, कोई एक करना है, यही हमारा आंसर हो गया, तो यहाँ तक इसका आंसर है। अब इसका देखते हैं, d1 हो जाएगा 2a माइनस a इज इक्वल टू a, इसी प्रकार से d2 निकालेंगे 3a माइनस 2a, ये भी हो जाएगा a, और d3 भी अगर हम निकालते हैं तो हो जाएगा 4a माइनस a यानी a, यहाँ कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है, d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इज इक्वल टू a, अर्थात ये तो ap में है, तो ap में जब है तो हम अगले पद को निकाल लेते हैं, यानी चार तक दिया गया है तो पांचवा पद निकाल लेते हैं, पांचवा पद हो जाएगा 4a प्लस a इज इक्वल टू 5a, छठा पद हो जाएगा 5a प्लस a 6a और a7 हो जाएगा 6a प्लस a बराबर 7, ये तीनों टर्म अगले हो गए, यही हमारा हो जाएगा आंसर, या तो इसको भी हम इस रूप में लिख सकते हैं, इसको ध्यान से देखना है, ये इसका है, ठीक है, ये हो गए, दो और क्वेश्चन बचे।
अब एक बार इसको देख लेते हैं, क्योंकि इसमें रूट लगा हुआ था इसलिए हमने इसको लिया है। अब यहाँ पर करना क्या है कि सभी को लाइक टर्म्स बदलने, अर्थात एक समान पद में इसको हम बदलेंगे। एक समान पद में कैसे बदला जाएगा, क्योंकि ये रूट टू है, रूट एट है, रूट एटीन है, रूट थर्टी टू है, और हम क्या जानते हैं कि अगर रूट में कोई संख्या या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में है तो वो तभी घटेगा या जुटेगा जब वह समान पद में होंगे। तो ये समान पद है, समान पद कैसे कहलाएंगे, जब रूट के अंदर दो है, यहाँ भी रूट के अंदर दो होगा, यहाँ भी, तो बदलने का प्रयास करेंगे, और बदला जाता है तब घटेंगे। तो इसको तो रूट टू हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसका फैक्टराइज कर देना चाहे दो गुना दो गुना दो। फिर इसी तरह से 18 को हम लिख सकते हैं दो गुना तीन गुना तीन। फिर इसी तरह 32 को लिखा जा सकता है दो गुना दो गुना दो गुना दो। और वर्गमूल में हम लोग पढ़ ही चुके हैं स्क्वायर रूट में या स्क्वायर में, कि हम दो में से एक को बाहर ले लेते हैं रूट के हिसाब में, तो दो में से एक बाहर आ गया, टू रूट टू हो गया, ये यहाँ हो गए 3√2, और यहाँ हो गए 4√2। अब लगता है हिसाब हल्का हो गया। अब d1 निकालेंगे, तो इसको इसमें से माइनस कर देना है, 2√2 माइनस रूट टू। उसी तरह से d2 3√2 माइनस 2√2, इसी तरह से d3 4√2 माइनस 3√2 इज इक्वल टू रूट टू। इस प्रकार से हम देख रहे हैं d1 d2 और d3 तीनों इक्वल हैं, और जब ये तीनों इक्वल हो जाएंगे तो ये AP में होगा ही, AP में है, हाँ। और जब AP में है तो अगले टर्म को देख लेते हैं, क्योंकि 4 ही टर्म यहाँ दिया गया है, तो 5वां टर्म हमको लगता है सबको पता हो गया होगा कैसे निकालना है, a4 + d। a4 क्या है, 32, लेकिन लिखना हमको कैसे है ऐसे, तो 4√2 + √2, ये हो गया 5√2। आंसर इसका ये भी हो सकता है, लेकिन जिस रूप में ये टर्म दिया गया है आंसर उसी टर्म में दिया जाता है, ऐसा है, परंतु आंसर ये भी हो सकता है। अगर ये आंसर नहीं होगा तो क्या होगा, रूट अंडर, क्योंकि जैसे यहाँ हम लिखे हैं 4√2, इसका मतलब क्या था, 4 अंदर था, अंदर कितने थे, 4 × 4 = 16 था। जैसे यहाँ 3 लिए तो 3 कितने बार, 2 बार, यहाँ 2 लिए 2 अंदर में कितने बार, 2 बार, उसी तरह 5 यहाँ बाहर है तो अंदर में कितने बार 5 होगा, 2 बार, यानी आंसर हमारा, सॉरी इधर नहीं लिखना है, आंसर हमारा ये भी हो सकता है, या तो ये होगा या तो ये होगा। उसी तरह से a6 a5 + d, a5 क्या है हमारा, a5 यही निकला है, तो हम यही लेंगे, 5√2 + d है 2√2, तो हो गया 6√2। इसको भी इस रूप में अगर हम कर लें तो 2 × 6 × 6 बराबर हो जाएंगे 72। इसी तरह से हम अगर a7 ले लें, a7 हो जाएंगे a6 + d, a6 हो गया 6√2 + √2 यानी 7√2। अगर इसको अंदर कर दिया जाए 2 × 7 × 7 बराबर √98, यानी एक आंसर ये है, एक ये है और एक ये है। यानी अगले तीन पद की बात की जाए तो यहाँ हम लिख सकते हैं अगला तीन पद, तो अगला तीन पद क्या हो जाएगा, √50, √72, और अगला हो जाता है √98। यही तीन हमारा आंसर हो जाता है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ये 13 नंबर क्वेश्चन था ना, ठीक है, इसमें भी देख लेते हैं, इसको भी उसी रूप में करेंगे, प्रयास करेंगे, अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, √3 रह जाएगा, ये तो 2 × 3 होता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाहर आएगा नहीं कुछ, ये बाहर आके 3 हो जाएगा और ये बाहर आके 4 या 2 × 2 लिखेंगे तो ये हमारा हो सकता है 2√3, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2√3, और यहाँ पर √6 ही हो जाएगा, यहाँ √3 है, यानी इसका कॉमन डिफरेंस निकालने में थोड़ा सा ध्यान देना होगा, √3 यहाँ हमने क्या बताया था, कॉमन डिफरेंस, यानी घटाएंगे, घटा तभी होगा इसमें जबकि ये समान पद होंगे, यानी लाइक टर्म होगा, लाइक टर्म तो है नहीं, यहाँ √3 है, यहाँ √6 है, यानी घटेगा नहीं, यही इसका कॉमन डिफरेंस हो गया। फिर d2 निकालेंगे, इसमें से ये घटाना है तो 3 − √6 ये भी नहीं घटेगा, अर्थात ये हो गया, ये दोनों इक्वल आ नहीं रहा, यानी कि d1 ≠ d2, अर्थात ये वाला पद AP में ही नहीं है, और अगर AP में नहीं है तो इसका मतलब है हमको आगे के पद को नहीं लिखना। इसी तरह से पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेना है, यदि दिक्कत हो तो फिर हमसे पूछ लेना, हम बता देंगे, और ये सारा एक्सरसाइज कंप्लीट होकर आज शाम में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि हम कल दूसरा यानी कि 5.2 पढ़ा सकें।